आप सब होंगे सुसा है परमेश्वर भला है और से कम सदा के है। आइए आज के प्रार्थना सभा को आरम्भ करें प्रार्थना के साथ में। इसके पहले कि हम प्रार्थना करें हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के साथ हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। गीत का बोल होगा हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति और प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद निश्चय आपने हमें जूतों के लोक पर रखा है प्रभु और जूते तेरी स्तुति तेरी महिमा करने पाते हैं प्रभु। आपके दिव्य जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम आपका अगाप्य प्रेम के लिए जो प्रेम आपने पापियों से किया, हमारे अपने कूड़े खाए, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहन किया, अपना लहू हमारे बहा दिया, निश्चय कबल सत्य से जी उठे और आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा आपको धन्यवाद देते हैं और पुकारते हैं आप प्रभु यीशु मसीह। आज इस प्रार्थना सभा में आपको पुस्तिया हमारे मध्य में हो पिता, अपने दुर्बल दास पर रहम कर। हम में से हर एक को जो सुनने वाले लोग हैं हर एक के गुनाहों को दोषों को क्षमा कर, अपने लहू से हमें धो पाप को पवित्र कर और आज के साम अपने दुर्बल दास के जवान से तू बोल परमेश्वर। पवित्र आत्मा इस घड़ी मेरे देह पर कब्जा कर दीजिए प्रभु जी, मेरे जवान पर कब्जा कर, मुँह से आप बोलिए स्वामी। सारी महिमा आपको देता हूँ, धन्यवाद के साथ दीनता की प्रार्थना को मांगता हूँ अपने से उद्धार करता है इस नाश्री के नाम में प्रार्थना सुनवाद से ग्रहण कर लीजिए, आमीन और आमीन। मेरे भाइयों बहनों सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये प्रार्थना निवेदन चंगाई प्रार्थना सभा जो चल रहा है 26 तारीख से और लगातार हम प्रार्थना में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया है और आज वे अपना नाम हमारे पास भेजते हैं और ये हमारे पास अपने रिक्वेस्ट भेजते हुए ये कहते हैं कि हमारे तरफ से परमेश्वर पिता को आप धन्यवाद बोलिए। देखिए मैं उन लोगों का नाम फिर एक बार लेना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ आप लोगों को जिनको परमेश्वर ने इस प्रार्थना सभा के द्वारा से चंगाई दिया है। तो मैं उनका नाम एक बार फिर लेना चाहूँगा शुरू से लेकर। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मनोनीत मुंडू,
मनोदित कच्छप जो सीआईपी की हैं, जो कोविड से जगह प्राप्त कर रही हैं, एलेक्स कच्छप सीआईपी, सरोजनी खेस सुहाना सिटी, रुंडा परिवार सेवा टोली, रैना हेमरोम प्रेम नगर, मंगली हेमरोम प्रेम नगर, लोलित बाकला विठा, जॉय ओलिवर लकड़ा कुमार बाल, प्रदीप गुजूर अर्सन डे, नोवेल तिगा चूड़ी टोला, लीला तिगा चूड़ी टोला, प्रकलता मिंच डीबडी, राध्या भगत बरियातू, अनिता इक्का मुंबई, सिल्विया लोगो मुंबई, विशाल संदीप कुजूर प्रेम नगर, विनीता तिर्की प्रेम नगर, एबिगेल कुजूर प्रेम नगर, विद्यावेद सुशांतो मीन चुड़ी टोला, अजय आशीष मीन चुड़ी टोला, बिंदको तिर्की प्रेम नगर, श्वेता टोप्पू प्रेम नगर, अशीमा तिग्गा प्रेम नगर, अरुणा लकड़ा लखनऊ, अनिकेत तिर्की छत्तीसगढ़, रोशित बाखला कल्याणपुर, अलका बाखला कल्याणपुर, रेशमा तिर्की, ज्योति लकड़ा भिट्ठा, एंजल गार्डन बंगलोर, पूनम लकड़ा और मोहित लकड़ा और तन्मय लकड़ा शास्त्री नगर, रेणुका कुंडो किंडो गुमला, अचना किंडो गुमला, नितेश शिशिर एक्का गुमला, सोनी एक्का गुमला, अभिषेक किंडो गुमला, नितेश कुंडो गुमला, जीवन मसीह कंडूलना, दयानिदान लकड़ा शास्त्री नगर, विक्रांत लकड़ा शास्त्री नगर, पीहू तिर्की कांके और सुनीता किसपुट्टा कड़ू, इसाक मिंज प्रेम नगर, सतीश कच्छर कुटकुटिया कुटकुटिया, हन्ना दिग्गा बुरकुंडा, उर्मनी करकट्टा मांडर, नौमी दिग्गा खोरा टोली। 49 लोगों को परमेश्वर ने उनके बीमारियों से, कोविड 19 से, टाइफाइड से, मलेरिया से, सबों को उन्होंने चंगाई दिया है। और ये सारे लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों के दुआओं को ग्रहण किया है और इन सारे भाई बहनों को इनके बीमारियों से इनको निजात दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के इस प्रार्थना सभा के लिए एक सुंदर संदेश हम सुनना चाहते हैं समय में, और जो हमें लिखा मिलता है भजन संहिता 102 अध्याय उसका 1-7 पद, भजन संहिता 102 अध्याय 1-7 पद, यहाँ ऐसा लिखा मिलेगा, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे नाम छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय पूर्ति से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुप्टी के समान जल गई हैं, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ, कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है, मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। यहाँ पर मेरे भाई बहनों एक बात को देखने पाते हैं, एक ऐसे युवक की प्रार्थना है जो संकट में पड़ा हुआ है और जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपनी जो उसकी स्थिति है, जो उसके शारीरिक स्थिति है या मानसिक स्थिति है, उसको वो परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा है कि उसका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है। जैसे वो कहता है कि कराहते कराहते मेरा हड्डी चमड़ा हड्डियों से सट गया है। आगे लिखता है, एक जगह लिखता है, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। आगे लिखा छठवां पद में, मैं जंगल के धने से समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ और जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। ये सारे जो उसकी जो मनोस्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, उसको वो परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं पर रख रहा है। वो बता रहा कि वो अकेला हो गया है, अकेले की जिंदगी उसकी हो गई है, वो उल्लू का समान हो गया, उजड़े स्थानों का उल्लू समान हो गया है, वो अपना रोटी खाना तक भूल जाता है और उसके उसको कराहते बोलता है कि कराहते कराहते मेरा चमड़ी जो है हड्डियों से सट गया है। बहुत ही दुखदायी स्थिति है इस युवक की और ये युवक ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आज ऐसी स्थिति आप में से बहुतों की हो सकती है, आप अकेला महसूस कर रहे होंगे, जब आपको क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है वहाँ पर आप बिल्कुल अकेले होते हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है और मैं अकेला हूँ, और आप अपने अकेलापन को आप कैसे महसूस करते हैं आप ये बेहतर जानते हैं। और ऐसे जब कोविड के शिकार हो चुके हैं तो आपको आपका जो खाना है वो भी रुचिकर नहीं होता है, कई दिन आप खाना भी नहीं खाते होंगे, दुख के मारे आप कराहते होंगे, आंसू बहाते होंगे, और ऐसे स्थिति जो इस युवक की है वैसे ही स्थिति में भी अपने आप को पाते हैं। हाँ मेरे भाई बहनों,
जबकि आज का जो महामारी है सचमुच ये बहुत ही भयंकर है और इसके चपेट में जो आ गए हैं वही जानते हैं कि स्थिति कैसी है। देखिए ये युवक ऐसे शारीरिक व्यथा में तो है लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने व्यवथा को वो परमेश्वर सामने प्रकट करता है। आप किसके सामने अपनी व्यवथा का आज रख रहे हैं? आप व्यथा अपनी व्यथा को किसके सामने रख रहे हैं? देखिए दाऊद भी अपने भजन में एक बात को लिखा है, भजन संहिता 55 अध्याय के 4 पद में लिखा है, अपने दुखों का वर्णन करता है, लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझमें समा गया है। भजनकार कह रहे हैं भजन संहिता 55:4, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में अमृत्यु का भय मुझ में समा गया है। हम इस संकट में पड़े युवक के विषय में अभी सुन रहे थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं भजनकार के विषय में, भजनकार भी अपनी व्यथा को इस प्रकार प्रकट करता है कि मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में अमृत्यु का भय मुझ में समा गया है। निश्चय मेरे भाई बहनों, आज जो भी आप COVID-19 के शिकार हैं या टाइफाइड के शिकार हैं या कैंसर के शिकार हैं, आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा, आपके अंदर में भय समा गया होगा, आपके अंदर में मृत्यु का भय बिल्कुल समा गया होगा और अपने आप में अपने हृदय के अंदर में अपने मन के अंदर में आप बहुत बड़े संकट को अनुभव कर रहे होंगे। आपकी स्थिति भी उसी युवक के समान है, इसी भजनकार के समान है और आज आप भी मेरे भाई बहनों इस स्थिति में अपने आपको पाते हैं और शायद आप अपनी आंखें परमेश्वर पर लगा भी रहे होंगे, बहुत लोग नहीं भी लगा रहे होंगे, लेकिन मेरे भाई बहनों इस विकट परिस्थिति में भजनकार भी अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाता है। इस संकट में पड़ा युवक भी ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहा, अपने संकटों का अपने व्यथा का वर्णन करते हुए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मेरे भाई बहनों ये दोनों जनों का हम संकट का देखने पाते हैं कि कैसे उनके मन में त्राही मचा हुआ है, कैसे व्यथा उनके अंदर, कैसा संकट उनके अंदर में है, यहाँ तक कि उनको मृत्यु का भय भी सता रहा है। मेरे भाई बहनों लेकिन आगे हम जब देखते हैं तो ये भजनकार जो कहता है कि जब उसको भय लगेगा, जिसमें मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आगे तो अपने व्यथा का वर्णन कर रहा है कि मुझको ऐसा संकट है, मेरा मन मृत्यु के भय से ग्रसित है और लिखा मृत्यु का भय मुझमें समा भी गया है, लेकिन आगे वो अपने आप को तसल्ली देता है, अपने आप से कहता है भजनकार, भजन संहिता 56:3 लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मतलब तो मृत्यु का भय का वर्णन भजनकार कर रहा है, यहाँ पर भजनकार कर रहा है जिसमें मुझको डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। कितना भजनकार कहता है भजन संहिता 43:5 वो अपने आप को तसल्ली देते हुए कह रहा है, संकट उसे जीवन के अंदर में है, मौत का भय, सारी बातें उसके साथ हो सकती है, लेकिन वो अपने मन को तसल्ली देता है, अपने आप को साहस दे रहा है और कहता है भजन 43:5 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। किसको बोल रहा है भजनकार? ये स्वयं खुद के लिए बोल रहा है, अपने प्राण से ही कह रहा है, अपने आप से ही कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। वो अपने आप से कह रहा है, अपने आप को हिम्मत बढ़ा रहा है, अपने आप को अपना साहस को बढ़ा रहा है, कहता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। आगे बोलता है परमेश्वर पर भरोसा रहा है, अपने मन से कह रहा है, अपने प्राण से कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर अपने आप को तसल्ली दे रहा है, जो संकट उसके जीवन के अंदर में है उसके प्राण पर संकट होगा, भजनकार के प्राण पर संकट होगा, लेकिन वो अपने प्राण से कह रहा है, हिम्मत बढ़ा रहा है, अपने आप को साहस दे रहा है, कहता है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजनकार कहता है भजन संहिता 55:16 कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई देता रहूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वो अपने विश्वास को प्रकट करता है भजनकार, अपने संकट के समय के दिनों में
वो अपने विश्वास को इस प्रकार प्रकट करके कह रहा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, भजन 55:16-17 पद, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। विश्वास है कि परमेश्वर यहोवा जो है क्या करेगा, मुझको बचा लेगा। अगर कहता है सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, मैं पुकारूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, और लिखा आगे और कराहता रहूंगा, विलाप करता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जब मैं परमेश्वर के सामने तीनों पहर कराहता रहूंगा और उसकी दुहाई देता रहूंगा, निश्चय वह मेरे शब्द को क्या करेगा, सुन लेगा और सचमुच मुझे चंगाई देगा। उसका एक विश्वास है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर जो है हर एक लाचार की प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर देता है। जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, जो मृत्यु के भय से ग्रसित लोग हैं, जो नाना प्रकार के संकेति में हैं और जो अपना भरोसा यहोवा पर रखते हैं और उसको पुकारते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को अवश्य सुनता है। निश्चय आपकी आज स्थिति ऐसी ही होगी जैसे उस युवक की थी जो कहता कि मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, मैं गौरी के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े हुए स्थानों के उल्लू के समान हो गया हूँ, मैं रोटी खाना भूल गया हूँ, कहते कर मैं चमड़ा हड्डियों में सट गया है। हो सकता है कि आपकी स्थिति भी, मनोदशा भी ऐसी होगी, आपको भी ऐसे ही अनुभव हो रहा होगा। चाहे ऐसा भी हो, आपको हो सकता है जो भजनकार कहता है मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में और मृत्यु का भय मुझ में आसम आ गया है। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत संकट लग रहा है, अपने मन में आप स्थिर नहीं जा पा रहे हैं, आप अपना विश्वास को खोते जा रहे होंगे, आपके अंदर भय समा रहा होगा, मृत्यु का भय आपको समा गया होगा। ऐसी स्थिति आपकी भी हो सकती है, लेकिन जब भजनकार की बातों को देखते हैं कि जिसमें मुझे भय लगे, मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, कह रहा है कि हे परमेश्वर जिसमें मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, और आगे अपने आप में हिम्मत करके कह रहा है कि हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है। अपने आप से कहता है भजनकार, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक, मेरा भरोसा है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह वचन अपने आप में हमको भी तसल्ली देता है। अगर हमारी स्थिति ऐसे ही कुछ है, भयावह है, तो हमको कहना चाहिए, अपने आप को अपने आप में हिम्मत बढ़ाना होगा, साहस करना होगा, डरना नहीं होगा, भयभीत नहीं होना होगा, लेकिन अपने आप से हमको भी करना होगा कि प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर को सदर, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, निश्चय वह मुझको चंगाई देगा। यह हिम्मत के साथ बोलना होगा, विश्वास करना होगा और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। विद्युतकार क्या कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा, यह विश्वास उसको। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुआई दूंगा और गाता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जब भी मौका मिले मेरे भाई बहन, इन संकट के दिनों में आप ईश्वर को पुकारें, तीन वेला आप निश्चित प्रार्थना करें, संध्या का काल को प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें, भोर को प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए, देखिए वह आपका शब्द को सुन लेगा। क्योंकि भजन के अंदर लिखा है, भजन संहिता 102 अध्याय का 17 पद में लिखा है, भजन संहिता 102 का 17 पद में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुख करता है और उसके प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। देखिए क्या कहता है वचन, भजन 102 अध्याय का 17 पद में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुख करता है और उसके प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। सचमुच में जो बीमार हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, बीबस हैं, ऐसे लोगों की कराहना को, ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को उसे सुन लेता है और तुरंत उनके प्रार्थना को उत्तर देता है, उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। नहुम के 1:7 पद में लिखा है, नहुम 1:7 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर भला है, संकट के दिन में वह दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की शुद्धि लेता है, शुद्धि रखता है। मेरे भाई बहन लिखा है नहुम 1:7 पद में, परमेश्वर भला है, संकट दिन वो दृढ़गढ़ ठहरता है, अपने शरणागतों की सुधि लेता है। जिस प्रकार वो संकट पड़ा हुआ युवक अपने व्यथा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पास रखता है, भजनकार अपने भय के समय में वो अपना विश्वास परमेश्वर पास रखता है, उसको पुकारता है, उसी प्रकार आज आपके लिए भी है। जब इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आपके लिए भी ये एक संदेश आता है आपके लिए कि आप भी संकट समय में अपना निवेदन परमेश्वर के पास रखिए, अपना कराहना उसके पास रखिए, उसके सामने आंसू बहाइए और देखिए
परमेश्वर आपको संकट से निकालेगा, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हमने देखा 49 लोगों के प्रार्थनाओं को ईश्वर ने सुना, उन्हें भयंकर COVID-19 से बाहर निकाला, टाइफाइड से बाहर निकाला, उनको अन्य बीमार से चंगाई दिया, आपको कुपोषण से चंगाई दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया और सबका पॉजिटिव रिजल्ट जो टेस्टिंग रिजल्ट होगा सबका नेगेटिव आया है और जो आनंद के साथ हुए परमेश्वर धन्यवाद करने पा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, यह आपके लिए भी होगा। आप जिस स्थिति में हैं सचमुच यह आपकी लाचार या बेबसी है। बाइबल में हमने सुना 102 भजन 102 का 17 पद में, वह लाचार की प्रार्थना को मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी, आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु के पास आइए, उससे अपने गुनाहों को माफ़ी मांगते हुए अपना दर्द बताइए, अपने जो व्यथा है मन की जो व्यथा है जो आप अनुभव कर रहे हैं आप उसको बताइए। और हमारा परमेश्वर जो है, आपका परमेश्वर जो है यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई से भर देगा। नहुम 1:7 जो हमने सुना, परमेश्वर भला है, संकट के दिन वह दृढ़गढ़ चढ़ता है और अपने संतों को सुधि लेता है। हाँ मेरे भाई बहन, जब उसके विश्वासों पर संकट आता है तो परमेश्वर जो है उनके लिए एक दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों जो उसके शरण में आते हैं उनकी वह सुधि लेता है। इस समय उसके शरण में आइए, उसके चरणों में आइए और अपने आप को उसके चरणों में अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विलाप कीजिए, आंसू को बहने दीजिए, अपना कराना रुकने मत दीजिए, तुरंत वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको चंगाई से भर देगा। प्रभु आज इस समय आपके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए ललायत है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? मेरे बीमार भाइयों बहनों जिनका नाम मेरे पास है लिस्ट किया हुआ है, जो COVID-19 के शिकार हैं, जो टाइफाइड के शिकार हैं, जो पैरल फीवर के शिकार हैं, जो खांसी सर्दी के शिकार हैं, जो लकड़ी के रोग से ग्रसित हैं, जो बोल चल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग क्या आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या अपनी व्यथा मेरे साथ मिलकर क्या आप भी अपने व्यथा को परमेश्वर के पास रखना चाहते हैं? आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु जो हमारा परमेश्वर है, जो सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यीशु मसीह सचमुच में हमारे चंगा का मतलब परमेश्वर है। आइए हम उसकी महिमा करें, हम उसके गीतों को गाएं और इसमें हम उससे प्रार्थना करें और प्रभु सचमुच हमें छुड़ाएगा, क्योंकि छुड़ाने वाला केवल वही है, मुक्ति दिलाने वाला केवल वही है। आइए हम एक दो पदों को गाते हुए आगे प्रार्थना में जाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, इस गीत को गाते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना
दिलाए ये सुना, मुक्ति दिलाए ये सुना, शांति दिलाए ये सुना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मेरे साथ मिलकर कहिए, इस समय में इस गीत को आगे बढ़ाते हुए गाएंगे हम लोग, आप मेरे साथ मिलकर कहिए, हम पर भी धन्यवाद देते पिता यहो आपको, क्योंकि आपने हमें जिंदगी दी, इस समय को देखने का सुंदर अवसर दिया। धन्यवाद आपको, पदार्थ आपको धन्यवाद, सदा हो सदा आपने हमारी सहायता की है, हमें राह दिखाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद मेरा आत्मा, धन्यवाद मेरे यहोवा, धन्यवाद मेरे यीशु। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसमें आपसे मांगना चाहते हैं प्रभु, आप तो हमें सिखाता है मांगने के लिए। आपने कहा है कि अब तक तुम्हारे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपने ये भी कहा है कि जो कुछ तुम्हारे नाम से मांगोगे उसे मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम्हारे नाम से मांगोगे उसे मैं करूँगा, आपने हमसे वायदा किया प्रभु, और आप हमसे हमको मांगना सिखलाते हैं प्रभु। इसलिए आज की शाम प्रभु हम आपसे मांगते हैं, हाँ प्रभु प्रार्थना निवेदन के द्वारा आपसे मांगना चाहते हैं। हाँ प्रभु हमारी मांग को सुन ले पिता, हम जितने भी बीमार भाइयों बहन हैं जिनके लिस्ट हमारे हाथ में प्रभु, हम इनके साथ मिलकर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं प्रभु, विशेषकर हम इनके लिए चंगाई मांगना चाहते हैं पिता। प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर दे परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। संकट के दिन में तू ही हमारे दृढ़गढ़ ठहरता है, और जितने तेरे शरणागत है तू उनके सुधीर लेता है परमेश्वर। हम आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं, सबसे पहले प्रभु हम उनके साथ मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनको तूने पिता जिनने चंगाई दिया प्रभु, जिनको तूने कोविड से बाहर निकाला, मृत्यु के संकट से बाहर निकाला, हर बीमारी से छुटकारा दिया, और आज वह खुश हैं आनंदित हैं, धन्यवाद ही हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए पिता मैं एक बार फिर उन भाई बहनों से मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहन मनोनीत मुंडू के साथ में मलेक्स का छप सोने खेस रुंडा परिवार, लाइना हेमरोम, मंगली हेमरोम, लोलेन बाखला, जॉय ओलिवर लकड़ा, प्रदीप कुजूर, नवल दिग्गा, लीला दिग्गा, प्रकृता मीन, आराध्या भगत, अनिता एक्का, सिल्विया डोगो, विशाल संदीप कुजूर, नीता तिर्की, अभिगल कुजूर, विद्यावेग, सुशांतो मीन, अजय आशीष मीन, बेनको तिर्की, श्वेता टोप्पो, आशीमा तिग्गा, अरुणा लकड़ा, अनिकेत तिर्की, रोसेट बाखला, अलका बाखला, रेशमा तिर्की, ज्योति लकड़ा, एंजल एडवर्ड, पूनम लकड़ा, तन्मय लकड़ा, मोहित लकड़ा, रेणुका किंटो, अर्चना किंटो, नितेश शशि एक्का, शौर्य एक्का, अभिषेक किंटो, नितेश कुजूर, जीवन मसीह कंडुल्ला, दया निदान लकड़ा, विक्रांत लकड़ा, पीहू तिर्की, सुनीता किसपोट्टा, इसहाक मीन, सतीश कच्चा, अन्ना दिग्गा, फुलमणि करकट्टा, नवीन दिग्गा, इन सारे लोगों के साथ मिलकर प्रभु हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं अबा, क्योंकि आपने इनके आंसुओं को देखा, इनके संकटों पर ध्यान दिया प्रभु, इनके कराहनों को सुना, और आपने इन सबों को पिता इनके बीमारी से चंगाई दिया। आपने इनके गुनाहों का लेखा नहीं लिया, बल्कि आपने इन पर तरस खाया, और आपने पिता अपने लहू से धोकर पवित्र किया, और इन चंगाई के साथ आज इस बीमारी से निकाल कर बाहर किया पिता। और आज ये धन्यवादी हैं, ये तेरे बाल बच्चे तुझे धन्यवाद देते प्रभु। एक एक धन्यवाद मन को तू ग्रहण कर, हमारे धन्यवाद मन को तू ग्रहण कर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद यहोवा, सारी आशीषों के लिए, हर एक चंगाई के लिए आपको धन्यवाद हो। इसमें हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पिता जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हैं पिता, हम उनके लिए दुआ
दुआ करना चाहते समय इनके प्रार्थना को सुन पिता, मेरी प्रार्थना को सुन पिता, और सबको चंगाई दीजिए। हाँ, इसमें प्रार्थना करते हैं, प्रेमानंद सुशील लिंडा गांधीनगर, जेम्स बर्लिन लकड़ा पोर्ट ब्लेयर, शांति लकड़ा नामको, रेशमा तिर्की नामको, जय झंडा लकड़ा लोहरदगा, इदीम लकड़ा लोहरदगा, प्रतिमा महिमा लकड़ा, प्रतिमा महिमा एनिम लकड़ा, नूर बाला भिट्टा, अमन बाला भिट्टा, ज्योति लकड़ा भिट्टा, जूलियस टून एवं परिवार पुरुलिया, जॉनसन टून एवं परिवार पुरुलिया, क्रिस्ट रश्मि कुजूर अरसंडे, बीमर कुमार लकड़ा शास्त्री नगर। पिता, इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सारे लोग कोविड के शिकार है प्रभु जी, ये कोरोना वायरस के संक्रमित है पिता, इनका जीवन में संकट है प्रभु, मृत्यु का भय है प्रभु जी, ये अपने आप में व्याकुल है खुदावन यीशु मसीह। हम इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक को नाम ब नाम चंगाई दे खुदावन, ताकि सारे लोग चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु, आप इसलिए कोड़े खाए ताकि ये चंगे हो जाए। आपने प्रेमानंद बारला सुशील टिंटा के लिए, जेम्स बर्लिन लकड़ा के लिए, शांति लकड़ा के लिए, रेशमा तिर्की के लिए, जय झंडा लकड़ा के लिए, इदिम लकड़ा के लिए, प्रतिमा महिमा के लिए, एनिम लकड़ा के लिए, नूर बारला, अमन बारला, ज्योति लकड़ा, जूलियस टोने परिवार, जॉनसन टोने परिवार, कृष्ण रश्मि कुजूर, विमल कुमार लकड़ा, इन सब के लिए खाए हैं प्रभु कोड़े। आप प्रभु आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए। प्रभु जी, इन्हें हम तेरे लहू में छिपाते हैं, अनुग्रह कर, दया कर, इनके जीवन में अद्भुत काम कर। जो श्वास की तकलीफ है पिता, होने देखो उसका ऑक्सीजन भरपूर होने पाए, और जो पिता चिकित्सा में है उनका चिकित्सा सफल होने पाए, जो दवाइयाँ ले रहे हैं पिता उनका दवाई उनके लिए कामयाब होने पाए, जो घर में क्वारंटीन है पिता उन्हें देखो अकेलापन का महसूस ना करने पाए, बल्कि पिता वो अपने आपको अपने आप को अपने चरणों में पाने पाए। हे प्रभु, हर एक को आशीषित कर पिता, हर एक को चंगाई दे। इन सारे लोगों को हम आपके लोग ढांपते हैं। हाँ पिता, ये कोरोना वायरस हर एक को निकाल बाहर कर, ताकि ये भी पिता आपका धन्यवाद कर सके, आपकी महिमा कर सके, इस मसीह आपके नाम की गवाही दे सके। हर एक को आशीषित कर। बीमार का लकड़ा को, जिसको श्वास की प्रॉब्लम हो रही है, जिसको ऑक्सीजन रखा गया है, खुदावन हम लकड़ा सर के लिए प्रार्थना करते हैं, जल्द से जल्द चंगा कर दे पिता, ताकि दरदास चंगाई पा कर प्रभु जी आपकी गवाही दे सके, अपना धन्यवाद कर सके। आगे हम प्रार्थना करते हैं, अनिल लकड़ा उसका परिवार के लिए, जो मनोहरपुर के हैं, अल्फोंस थॉमस कुजूर कांके रोड, अभिषेक डिक्रुज कोकर, प्रदीप किंडो परियातु, प्रगा किंडो परियातु, प्रगति किंडो परियातु, समीर कुजूर गुमला, रेणुका किंडो गुमला, रायन गुमला, अर्चना किंडो गुमला, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावर। ये सारे के सारे लोग कोरोना पॉजिटिव है पिता, प्रभु जी हर एक को चंगाई दे परमेश्वर, इनको अपने लव से धोखा पाक पवित्र, इनके गुनाहों को माफ कर दे राजा, और इनको छू ले, क्योंकि आपका एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा। हाँ पिता, आपका एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा। मैं आपका दास पुकारता हूँ इस घड़ी, इनको छू ले, टच द मास्टर एंड हील द राइट नाउ, इसे समय छू ले पिता, इनको चंगाई दे, ताकि सारे लोग ये चंगाई प्राप्त कर लें। अनिल लकड़ा अपने प्रसाद चंगाई प्राप्त करने पाए, अल्फोंस थॉमस कुजूर, अभिषेक डुक्रोज, प्रदीप किंडो, प्रज्ञा किंडो, प्रगति किंडो, समीर कुजूर, रेणुका किंडो, रायन कुजूर, रायन किंडो और अर्चना किंडो, ये सब लोग चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु जी, और ये आपका धन्यवाद हो जाए। हम हर एक को तेरे लहू में छिपाते हैं, आज के शाम इनको चंगाई से भर दे राजा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय सदा हो, यीशु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा सदा हो। नितेश सिसिर एक का गुमला, मुकुल राहुल एक का कांची, सपन दीप टोपो कडरू, स्मिता टोपो कडरू, ग्रेस टोपो कडरू, अचल अविनाश की खूंटी, उत्तम बाड़ा दिल्ली, सुशा बिंज कोकर, एलिसा पिनिता लकड़ा सिद्रौली, राकेश लकड़ा सिद्रौली, अनिमल लकड़ा तमिलनाडु, सुमरेन गिद्दी गुमला, सीमा तिर्की, निरंतर कुजूर कुतरा, और मनोजी होरो हिसार, ये सारे लोग पिता परमेश्वर कोविड का शिकार हैं, हमें तेरे लहू में छिपा कर प्रार्थना करते हैं खुदा, क्योंकि आपके लहू में ही इनके लिए छुटकारा है, और जब ये यीशु के लहू में छिपाए जाते हैं तो इनको शैतान संसार पाप मृत्यु कोरोना छू नहीं सकता, परमेश्वर नाश नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर हमें तेरे लहू में ढांपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इनको चंगाई दे परमेश्वर, इनको चंगाई दे खुदा, इसी घड़ी इनसे कई एक चंगाई पाने पाए, इसी समय राइट नाउ, इसी समय चंगाई पाने पाए लोग। हाँ प्रभु जी, नितेश सिसिर एक का, मुकुल राहुल एक का, सपन दीप टोपो, स्मिता टोपो, ग्रेस टोपो, अचल अविनाश तिर्की, उत्तम बाड़ा, सुशीला बिंज, एलिशा विनेता लकड़ा, राकेश लकड़ा, अनिमा लकड़ा, सुमरेन गिद्दी, सीमा तिर्की, निरंतर कुजूर उसकी बेटी, मनोज जी होरो, ये समस्त लोग इसी समय यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम है, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम है, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम है, चंगाई को ग्रहण करने पाए खुदाबंद, एक एक कुछ चंगाई दे परमेश्वर, हम इन्हें तेरे रक्त में ढांप देते हैं, इन्हें तेरे लहू में छिपाते हैं, इन्हें तेरे हाथ सौंपते हैं, चंगाई से बचता के चंगाई पाकर, आज के शाम चंगाई पाकर प्रभु, इसी समय चंगाई पाकर आपका
धन्यवाद कर सके। हालेलुया, हाँ प्रभु, इस समय तू बहुत लोगों को चंगाई दे रहा है, इनसे कहिए को तू छू लिया प्रभु, इसे घड़ी तूने बहुत लोगों को चंगाई दे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ पिता, इसमें तू बताता है कि इसमें आपने अनिमान लकड़ा को जो तमिलनाडु की है आपने उसे चंगाई दे दिया है, अनिमान लकड़ा तमिलनाडु को आपने इसमें चंगाई दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, इस समय आपने अचल अविनाश नीति को छुआ है जो कोटि का है, अचल अविनाश नीति को छूकर इसे घड़ी चंगाई दे दिया है। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, ओरा बाबा बाबा शंकर रबा रबा धन्यवाद तेरे लव के लिए सोता हूं परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते डेनिस निकी के लिए जो सुहाना सिटी कांके का है, दीपा कुजूर कुमार बाग, सुशील कुजूर कुमार बाग, सुशील मिंज चुड़ी टोला, अलीसा लकड़ा आईटीआई, मागज गुड़िया आरसंडे, डेनियल टोपो मांडर, कामिल टोपो बुड़मू, नदाल परिवार, माला सोलोमन, रीना पांडे परिवार, तेरस कुजूर, आसन तिग्गा प्रेमनगर, अब्राहम विंसेंट हेमरोम बचरा, पौलस तिरकी वर्माजी, अरविंद संदीप पूर्ति गंदौली। हाँ पिता परमेश्वर, इन सारे लोगों को हम आपके हाथ सौंपते हैं पिता, जिनका भी नाम इस पर पढ़ा गया प्रभु, एक एक को नाम व नाम चंगाई दे परमेश्वर। आपने एक एक जन के लिए कोड़े खाए प्रभु, ताकि जन चंगाई प्राप्त कर ले। हाँ पिता, इस समय में डेनिस निकी का लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जबकि उसको श्वास लेने तकलीफ है, वो ऑक्सीजन रखा गया है खुदा, मैं भाई को चंगाई दे, या छोटा सा आपका दास है खुदा, चंगाई से भर दे। इसी समय डेनिस निकी को चंगाई दे परमेश्वर, दीपा कुजू को पिता परमेश्वर समय चंगाई दे खुदा, और जो उसको ऑक्सीजन चढ़ रहा है पिता, सुशील कुजू को चंगाई दे जिसको ऑक्सीजन डाला रखा गया परमेश्वर पिता, इन सारे लोगों को जो ऑक्सीजन दे रखे गए हैं पिता, छुले लॉर्ड, इसे समय छूकर चंगाई दे परमेश्वर, ताकि ये स्वस्थ हो जाए, इनको श्वास लेने में कोई तकलीफ ना होने पाए। आज के रात्रि काल छूकर इन चंगाई दे डेनिस निकी को, दीपा कुजू सुशील कुजू चंगाई दे परमेश्वर, इसे घड़ी छुटकारा पा सकते, सुशील मिंज को छुटकारा दे प्रभु, हम इस जवाब को तेरे नाम से पाते हैं। इसे घड़ी अलीसा लकड़ा को, मार्गरेट गुड़िया को, डेनियल टोपो, कामिल टोपो, ननाल परिवार को, माला सोलोमन को, रीना पांडे को, उसके परिवार के लोगों को, तेरस बुजुर्ग को, आसन दिग्गा को, अब्राहम नेचन हेमराम को, पौलुस त्रिको को, और अरविंद संदीप पूर्ति को चंगाई से भर दे राजा। इस समय हरे को छुले 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 परमेश्वर, बता परमेश्वर कि आपने कुछ चंगाई दिया है प्रभु, सचमुच आपने सबको चंगाई दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इनमें से हर एक कुछ हुआ है पिता, और बहुत जल्द ये लोग अपने बीमारी से बाहर निकल रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। हम आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं राजा यीशु, हालेलुया हालेलुया प्रभु। इसमें प्रार्थना करता हूँ अनुग्रह लकड़ा के लिए, जो पिता परमेश्वर तेज बुखार है, और उसकी माँ नाम आलखेन लकड़ा है पिता, हम इस लकड़े परिवार की प्रार्थना करते हैं बेटा, अनुग्रह लकड़ा को इस समय उसके बुखार से चंगाई देते परमेश्वर, छुले लड़के को और छुटकारा का आशीष घेर ले। विश्वास करता हूं कि आपने अलकेन लकड़ा को और अंतर लकड़ा को चंगाई दे दिया, आपने छुआ है पिता, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु, इनके पुकार को सुना है और आपने चंगाई दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस घड़ी मैं प्रतीक कुजो राउरकेला के लिए, संजीत कुजो राउरकेला के लिए, मैखन बीज राउरकेला के लिए, अजीत बीज राउरकेला जो कोविड-19 से शिकार है, संजीत कुजो जो टाइफाइड का शिकार है, इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, एक एक को छूले, प्रतीक कुजूर को, संजीत कुजूर को, मैखन बीज को, अजीत बीज को जो राउरकेला के निवासी है, इन चारों को प्रभु अपने हाथ सुपुर्द करते हैं, छूले मास्टर इनको, ताकि बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, और ऐसे समय इनका बुखार चला जाए, टाइफाइड चला जाए, कोविड से बाहर निकल आने पाए, और इस चंगाई पाकर प्रभु आपका धन्यवाद कर सके। खुदावर हम इन तरह हाथ सौंपते हैं तो इनका चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, होशाना धन्यवाद प्रभु, तब धन्यवाद हो क्योंकि आपने समय चारों को छूता है, छुआ है प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है, स्वर्ग में से आपने उत्तर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा सदा करते रहे, ऐसे ही आशीष प्रदान कीजिए। हम पाते सैमसन नेहमा स्त्री के लिए जो पेरिस चेयरमैन है राउरकेला के, हम उसके लिए दुआ करते हैं जो कोविड का शिकार है, पादरी सैमसन नेहमा स्त्री जो पेरिस चेयरमैन राउरकेला के हैं, तो अब इसी घड़ी उसको कोविड से बाहर निकालिए, अपने सेवा को चंगाई दीजिए पिता, ताकि स्वस्थ रहकर आपके मंडली को अच्छा राह दिखा सके, आपके पेरिस को अच्छा राह दिखा सके, लोगों के लिए भी खुद प्रार्थना कर सके प्रभु पिता, लोगों के शास्त्र की शिक्षा की बातों को बता सके खुदा, अपने सेवा पर आपने हाथ बढ़ा, और पादरी सैमसन नेहमा स्त्री को इसी समय छूले चंगाई से धन्य राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने दास को आशीषित किया है, चंगाई दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। संदीप सोरेन जो लखनऊ के हैं, हाँ पिता परमेश्वर, इसका लंग्स जो है वो जल्द इंफेक्टेड हो चुका है,
प्रभु जी हम संदीप सोने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, अशोक साथ प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता, इसके जीवन को बचा ले खुदा। संदीप सोने को जो लखनऊ का है पिता, जो इसका लंग्स जो है इन्फेक्ट हो चुका है, परमेश्वर छू ले इसके लंग्स को पिता, और एक इन्फेक्शन को इसके देह से बाहर निकाल दे। हाँ पिता इसी घड़ी राइट नो प्रभु जी, इसी समय राइट नो हालेलुया हो रबा बाबा शक्कर रबा और रबा बाबा शक्कर रबा। प्रभु इस समय इसका लंग्स को ठीक कर दे, संदीप सोने चंगाई को प्राप्त करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसका लंग्स इसी समय ठीक हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। संदीप सोने प्रभु तुझे चंगाई देता है, जाएगा ग्रहण कर, मत डर मत डर प्रभु का था, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्म में तेरे हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दिल दूंगा। परमेश्वर कहता मत डर, संदीप सोने लखनऊ के भाई आप मत डरिए, आपका लंग्स समय से चंगाई की ओर बढ़ रहा है, समय आपका इन्फेक्शन जो लंग्स का इन्फेक्शन है आपके देह से निकल रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, विश्वास करें प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। धन्यवाद दीजिए, कल बोलिए धन्यवाद यीशु बोलते रहिए, और देखिए अभी तुरंत आपके जीवन से सारे संकट चला जाएगा। कल आप बोलिए धन्यवाद यीशु मसीह, आप इतने बोलते रहिए और प्रभु आपको चंगाई देगा। हालेलुया। अभी के लकड़ा जो चार बस के बच्ची है, बोल और चल नहीं सकती है पिता, इस बेटी को हम तेरे हाथ सौंपते हैं। अभी के लकड़ा जो बोल नहीं सकती और चल नहीं सकती पिता, आप तो मनुष्य को निर्माता है प्रभु, मनुष्य को बनाने वाला आप हैं प्रभु, इस बेटी के जबान को छूले पर जीव को खींच कर बाहर निकाल ताकि बोल सके पिता, जबान को खोल दे ताकि बोल सके, इसके पैरों में टखनों में कमर में बल को भर दे ताकि बेटी चल सके, अभी गेल लकड़ा चल सके पिता, बोल सके परमेश्वर, एक अद्भुत काम कर दे पिता, एक बहुत बड़ा अद्भुत काम कर दे खुदा, ताकि पिता ये इसका परिवार तेरे गवाही के लिए खड़ा हो जाए, तेरे विश्वास में आगे बढ़े और इस परिवार के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। अभी गेल लकड़ा को छू ले परमेश्वर, हालेलुया, उसके जबान खोल दे परमेश्वर, हालेलुया, उसके कमर में पैर में चलने का शक्ति भर दे ताकि चल सके। रोशनी भी जो लोहा दगा की है, जिसको चेस्ट में दर्द है, सूजन है, पेट में दर्द है, सूखा सर्दी खांसी टाइफाइड बार बार दोहरा रहा है, खुदा बंद इस बहन की प्रार्थना करते हैं, रोशनी मीज को छूले पिता, इसकी स्तुति को देख रहे हैं, इतने सारे तकलीफ इसके देह के अंदर में प्यारे पहुंची पिता, इसके चेस्ट में दर्द है, इसका सूजन है, पेट में भी दर्द है, सूखा सर्दी खांसी है, टाइफाइड बार बार दोहरा रहा है, परमेश्वर पिता रोशनी मीज को छूले और चंगाई से भर दे राजा, हम इस बहन को आपके लहू में ढांपते हैं क्योंकि आपके लहू में सुरक्षा है पिता, छूले इसको, छूकर चंगाई दे परमेश्वर, ताकि सारी बीमारी से छुटकारा पाकर हे यीशु मसीह आपके विश्वासनीय बने, आपकी गवाही गवाह बने प्रभु, क्षेत्र में आपके गवाही का काम प्रचार कर सके, आपके नाम प्रचार कर सके, आपके गवाही दे सके। बहन रोशनी मिज को तू चंगाई देता है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपने उसे चंगाई दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति। ज्वेल बाड़ा जो भरनों की है, जिसकी मृत्यु हो गई है पिता, हम इसके शोकित प्रभाव के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा यीशु मसीह आप इसके परिवार को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, आप पिता शोकित प्रभाव को शांति दीजिए और अपने इस दास को उज्ज्वल भाड़ों को अपने राज्य में ग्रहण करना परमेश्वर। प्रभु जी सारी महिमा सारा गौरव हम आपको देते हैं राजा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने सारे लोगों को स्पष्ट किया है, आपने सहरे के प्रार्थना को सुना है प्रभु, आपने इनके आंसुओं को देखा है परमेश्वर, हम आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं राजा, हम आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, हम इसमें प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए जो कि सर्दी खांसी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते समय में प्यारे तुम्पों के लिए जो प्यारे शिकार है, कृपादान एक्का के लिए, सुंदमनी एक्का, इमानुएल एक्का, एडमिन मैन एक्का, अजय मीन, क्रिश धमदानी एक्का, एलिस अमिता, सुभाष सिंह लकड़ा, रीति मीन, जोशमिना मीन, नेजन कुजूर, नवमी दिग्गा, उलमनी क्रिकेटा, हन्ना दिग्गा, विलियम टोपो, ज्योति महिमा डान, मुदित खालको, प्रमोद विश्वकर्मा, इन सारे लोगों को आपने पहले भी छुआ है पिता, फिर एक बार इन्हें आपके चरणों में अर्पित करते हैं, सबों को चंगाई दे खुदा, ताकि पूर्ण चंगाई पाकर पिता आपको धन्यवाद दे सके, इनके असली बाहर निकाल। प्रार्थना का सनातन एक का जो आम गांव के पेरिस के हैं, जो सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं, विश्वासी एक का आम गांव, आशीष एक का आम गांव, अनुषा एक का आम गांव, ये सारे लोग सर्दी खांसी से बुखार से पीड़ित हैं पिता, हम इनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आर्गन लकड़ा जो हनुमान जी की है, कुमारी नाग सेवर टोली, निर्मली तिरकी चुड़ी टोला, एरिक एक का चुड़ी टोला, एंजल एडवर्ड बैंगलोर, सलोमी कौन गाड़ी तोरपा, इन सारे लोगों से प्रार्थना करता हूँ पिता, जो कि सर्दी बुखार से पीड़ित हैं, वायरल फीवर से पीड़ित हैं पिता, इन सारे लोगों को आशीषित कर पिता, ताकि छुटा पा सके, इनके लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है परमेश्वर पिता, इन्हें आशीष कीजिए ताकि ये बिल्कुल जगह को प्राप्त कर दे पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
जोन एक्का के लिए दौकेला के अनुराग कमल तिरकी इनपीढ़ी अंकित तिरकी सेमा टोली कोलोना भुइया चक्रपुर श्वेता तिगा सिमडेगा रोशन कट्टा नामकुम मदन कट्टा कल्पना खिलानी सोनी एक्का गुमला अभिषेक किंडो गुमला ये सारे लोग पिता अपने वाले फीवर से पीड़ित हैं। अंकित तिरकी टाइफाइड से पीड़ित है और पिता ऐसा कोलोना भुइया फेफड़े में उसका संक्रमण है और सेवाती तिगा जो सिमडेगा जो कैंसर से पीड़ित है उसका ऑप्शन होने वाला है। पिता इस बहन को प्रार्थना करते हैं उन्होंने किसका ऑपरेशन सफल और सफल होने पाए प्रभु और ये बिल्कुल अपने मुंह के कैंसर से बचकर जगह पाकर घर लौटने पाए और का परिवार आपका धन्यवाद हो सके। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कल्पना हिलाने के लिए जो कि स्वयं वो खुद कैंसर से पीड़ित है प्रभु उस बहन को भी चंगाई दे पिता से कैंसर से देश निकल जाए और बिल्कुल स्वस्थ है। सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका भी नाम पड़ा गया एक एक खुद के टाइफाइड से खांसी सर्दी बुखार से और संक्रमण से फेफड़े संक्रमण से कैंसर से चंगाई दे ताकि सब लोग चंगाई पाकर प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सके। नितेश कुजूर जो गुमला के हैं वायरल फीवर जिसमा पांडा टना टोली शरीर में दर्द सहन लकड़ा हे है शारीरिक कमजोरी उषा सालों लकड़ा आमगांव बुखार कमजोरी अलिशा तोपनो लखनऊ स्वस्थ लाभ शोभेंद्र के लांजी डेरा परिवार के स्वस्थ लाभ के लिए देविल लकड़ा चार बस चल नहीं पाती बात नहीं कर पाती इसके लिए ईशान मीन प्रेमनगर जो आपने चंगाई दे दिया प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। दुलार लिखा गैस्ट्रिक एरोन लकड़ा कमजोरी विश्वासी टोपो कड़ू पैरालिसिस प्रचारक ज्योतिष टीका कैमटे पैरालिसिस सतीश कच्छप कुरकुटिया पेट दर्द सामरम पवन तोपना तोपनो विरमितापुर सुदीप पवन तोपन विरमितापुर ये कोविड 19 से बचाव के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। शोभन गाड़ी फुटबॉल शरीर अच्छे स्वस्थ के लिए मेरी सुचिता का धन्यवाद कैंसर कोविड से पीड़ित है और दुलार दिखा किनकल बुखार रोजियस साहिल की बीमारी और रेणुका सोनिया नाग अहमदाबाद सेफ डिलीवरी के लिए और नैन्सी सेन अहमदाबाद वायरल फीवर जुलियाना सेन वायरल फीवर और मिशेल क्रिश्चियन वायरल फीवर इन सारे लोगों ने प्रार्थना करते हैं खुदावन इनसे एक एक विश्वास कर खुदा ताकि हर एक जन जगह प्राप्त करने पाए। इनका इनमें से बहुत लोग शरीर कमजोरी से परेशान है शरीर में दर्द है किसी को पिता कोविड किसी को गैस्ट्रिक है कोई पैरालिसिस का शिकार है खासकर विश्वासी टोपो जो कड़ों के पैरालिसिस का शिकार है प्रचारक ज्योतिष टीका कैप्टन जो पैरालिसिस शिकार है पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं इनको पैरालिसिस से चंगाई दे पिता ताकि विश्वासी टोपो प्रचारक ज्योतिष टीका अपने पैरालिसिस से चंगाई पा लें उनका जो आप पैरालिस्ट है वो उसमें बल आ जाए ताकत आ जाए ताकि चल फिर सके पिता बोल सके हाथ हिला सके सब कुछ कर सके पिता इनके पैरालिसिस चंगाई दीजिए। आप पिता मेरी सुचेता टीका के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैंसर से पीड़ित साथ ही कोविड 19 का शिकार है भयंकर स्थिति की है पिता मेरी सुचेता टीका को किसी घड़ी छू ले परमेश्वर उसे कैंसर का देश अलग कीजिए और कोविड 19 को बाहर निकालिए। मेरी सुचेता टीका जो धन्यवाद की है पिता इस बयान को हम हाथ सुपुर्द करते हैं छू ले आपका एक सुचार चंगाई देगा। बरदास मैंने आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरी सुचेता टीका के शरीर पर कब्जा कर लीजिए उसको धर्म बड़ी शांति दीजिए पिता और उसको कैंसर से और कोविड 19 से उसको चंगाई दीजिए। धन्यवाद परमात्मा धन्यवाद ये हुआ धन्यवाद मेरे यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी रेणुका सोनिया नाग के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि उसको सेफ डिलीवरी होने पाए प्रभु जो आपने उसके कोख में एक आशीष दिया है पिता वो आशीष बचा रहने पाए प्रभु जो भी औलाद का ने दिया वो औलाद सुरक्षित हो और वह उसको सेफ डिलीवरी होने पाए ताकि अपने गोद में एक नवजात शिशु को पाकर वो आपका धन्यवाद कर सके पूरा परिवार आपके धन्यवाद होने पाए। और इसमें से जितनों का नाम लिया गया पिता चाहे नितेश कुजूर हो रेशमा बांड्रा शरण लकड़ा उषा सालों लकड़ा अलिशा तोपनो शोभेन तिरकी अभित लकड़ा दुलाद तिका अरुण लकड़ा विश्वासी तोपो प्रचार ज्योतिष तिका सतीश कच्छप शामरो पाल तोपनो सुदीप पावन तोपनो शोभेन गाड़ी मेरी सुचा तिका दुलाद तिका रोजियस शाहिद तिरकी रेणुका सोनिया नाग नैन्सी सेठ जुलियाना सेठ मिशन सबों को तो आशीष दे परमेश्वर ताकि ये अपने अपने बीमारी से बिल्कुल चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके एक एक की हिफाजत कर। अनुग्रह लकड़ा सिकवार पेरिस रेंसन टोपो गोंडा बुखार आप पिता अनुग्रह लकड़ा सिकवार पेरिस बुखार से पीड़ित है और रेंसन टोपो भी जो कोर्डा के निवासी बुखार से पीड़ित है इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके वायरल फीवर से चंगाई दे पिता ताकि दोनों चंगाई पाकर खुदा आपका धन्यवाद कर सके सदा आपकी महिमा करने पाए प्रभु इनको आशीषित कर पिता ताकि जल्द से जल्द आज के शाम ही पिता इनके देह से यह बुखार चला जाए यीशु के नाम में यीशु के नाम में अनुग्रह लकड़ा और ऐसा टोपो बीमार से चंगाई पा जाए इसी समय राइट नाउ इस समय आप इनको चंगाई दे रहे हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी महिमा आपकी तारीफ करता हूँ राजा हालेलुया। तो अभी दोनों में जितने लोग कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं जो पिता
भयभीत हैं, मरीजों की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन एक संदेह में है कि कहीं उनको पॉजिटिव ना हो जाए, कोरोना पॉजिटिव ना पाए जाए, इसलिए पिता वो भयभीत है, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। सुषमा बांड्रा जो टंगर टोली के, डॉक्टर अभिषेक कुड़िया प्रेमनगर, डॉक्टर निहाल टोपो प्रेमनगर, शिखा अंतला टोपो नगड़ी, अमला तिरके रांची, विनीता तिरके रांची, दीपा प्रदिया रांची, शशि बारला और अमित धान सारे जो कोविड वार्ड में ड्यूटी करें, इन सबको तेरे हाथ सौंपते पिता, जबकि एक अच्छा काम करें, भला काम करें प्रभु, ये मरीजों की सेवा करें पिता, होने दे कि कोरोना वायरस से किसी को छूने न पाए, किसी को छूने न पाए, हम सबों को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में ढांप दे, क्योंकि आपके लहू में ही एक सुरक्षा इनके लिए पिता, और आप इनको सुरक्षा दे रहे हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु जिम्मा आपको देते हैं पिता, उस आखिर तक जिनका जिनका नाम लिया गया प्रभु, आपने एक एक को चंगाई दिया है, ये हमारा विश्वास है पिता, क्योंकि हमने पुकारा है तो आपने सुना है, आपने अपने वचन को हमारे बीच में पूरा कर दिया प्रभु, आपने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, तो हम मांगे और आपने दिया है, आपने कहा कि अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, सचमुच पिता हमने मांगा है आज यीशु मसीह आपके नाम से, और आपने चंगाई दिया, और सब लोग आज आनंदित है क्योंकि सारे लोगों ने हाथ चंगाई प्राप्त कर लिया पिता, जिनके लिए प्रार्थना की गई बहुत लोग आपने कोविड से बाहर निकाला आज, हाँ पिता आज बहुत सारे लोगों को टाइफाइड चंगाई दिया, ब्लड फीवर चंगाई दिया, बहुत लोगों को पैरालिसिस से बाहर निकाला प्रभु, आप प्रभु बहुत सारे लोगों को कैंसर से छुड़ाया परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके महिमा आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, कल फिर नाम आएगा जिन्होंने चंगाई पाया, कल अपने गवाही देंगे पिता, कल अपना नाम भेजेंगे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रसिका तोपनो जो हाइपरटेंशन से पीड़ित है, जो चुनमा टोली रांची का है, जो डायबिटीज से और हाइपरटेंशन से और ट्यूबरक्लोसिस से बहुत भयानक दवा पीड़ित है पिता, रसिका तोपनो को तू चंगाई देता है, हम इसके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं प्यारे पिता, प्रभु इसको बिल्कुल चंगाई दे दे पिता, इसका हाइपरटेंशन से, इसके डायबिटीज से और ट्यूबरक्लोसिस से बिल्कुल छुटकारा दे दे पिता, ताकि चंगाई पाकर रसिका तोपनो आपका धन्यवाद हो सके पिता, हम इस समय इसका आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने समय छुआ है पिता, उस अधिकार के साथ, उस अधिकार के साथ जो आपने मुझको दिया है परमेश्वर, उस अधिकार के साथ मैं हर एक कोविड 19 को, हर एक हाइपरटेंशन को, हर एक डायबिटीज को, हर एक ट्यूबरकुलोसिस को, हर एक वायरल फीवर को, हर एक पैरालिसिस को, हर एक कैंसर को, जो इन लिस्टेड नामों में से जिसको भी पकड़ा हुआ है सारे बीमारी है, उन सारे बीमारियों के देश से इस बीमारी को निकाल पाकर प्रभु, उस अधिकार के साथ में उन सारी बीमारियों को जो इनके जकड़े हुए पिता, यीशु मसीह नासरत बीमारी को हुक्म देता हूं, निकल कभी से बाहर, कभी कभी प्रवेश मत कर, हम हर एक जन को जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, हमको यीशु के लहू में ढांप देते हैं, यीशु मसीह का चंगाई उनके भी ऊपर बहने पाए, प्रभु यीशु मसीह हमें तेरे लहू में छिपाते हैं प्रभु, जबकि अब रात्रि काल आ गया प्रभु, इस रात्रि काल में पिता हमें से जो भयभीत है पिता, हर एक को भयमुक्त कर, हाँ पिता रात्रि काल हमेशा जाने वाला होता है, लोग डरते हैं कि रात्रि काल में क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तू साथ है, जब ज्योति के पिता हमारे संग है, हमारे लिए क्या डर की बात है, परमेश्वर तो हमेशा बोलता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, सचमुच आप सबों के साथ हैं, ये हमारा विश्वास है प्रभु, पुनः एक बार सब लोगों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक अपने हम छुपा लें ताकि बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और आपका धन्यवाद कर सके, इसमें प्रार्थना करते हैं कलीसिया के अगुओं के लिए, जितने भी चर्चों के अगुए हैं, चाहे बिशप हैं, चाहे कॉर्डिनल हो सकते हैं, चाहे पिता आज बिशप हो सकते हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, पादरीगण हैं, आप पिता परमेश्वर चर्च के अगुए हैं, लीडर्स हैं, आप पिता युवा संघ के लीडर्स हैं, और पिता महिला संघ के लीडर्स हैं, शीर्ष स्तर के भी लीडर्स हैं, एक एक को नाम आशीष दीजिए, ताकि तेरे कलीसिया के लोग सुरक्षित पाए जाए पिता परमेश्वर, और सदा आपका भय में जीवन बिताते हुए आपकी भेड़ों की अच्छी देखभाल कर सकें, खुदावत चर्च के हर एक अगुओं को आशीष दे, हमारे चेयरमैन को रेवरेंड नथिन लकड़ा के परिवार को, नथिन लकड़ा को, रेवरेंड नथिन लकड़ा को, और उसके बेटे बेटे को आशीष दे पिता, ताकि परिवार तेरे विश्वास में निरंतर आगे बढ़े, उनके परिवार में किसी बात की घटी की भी ना होने पाए प्रभु, ये हमेशा स्वस्थ रहने पाए प्रभु, और ये स्वस्थ रहकर आपके मंडली की, आपके पेरिस के रेवरेंड साहब अच्छी सेवकाई दे सके, हाँ प्रभु आपको धन्यवाद सदा हो प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं पिता, आप भी तरस खा, हमें भी योग्य बना परमेश्वर की, हम भी तेरे सेवकाई में देता आगे बढ़े प्रभु, हम सबों के दो सदा गुनाहों को क्षमा कीजिए, इस रात्रि काल जो आया पिता, इस रात्रि काल को हम सबों के लिए कुशल मंगल बीते दीजिए, सारी महिमा आपको देते हैं, ईश्वर वैसे के सामर्थ्य धन नाम है, हम देता है कि प्रार्थना को मांगते हैं, प्रार्थना सुने आबद्धा से ग्रहण कर लीजिए, आमीन और आमीन, प्रभु की प्रार्थना समाप्त करें। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे,
परिभित पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yehovah. Hallelujah. आप सबों की सुसाए। गुड नाइट।